एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, बाय टाइटल आप सभी को जैसा कि समझ में आ ही गया है कि आज मैं आप सभी के साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सभी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है इस वीडियो के लिए। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि आपने उस दिन लिया और दिखाया नहीं, बोले थे दिखाने को फिर भी नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो पहले तो मैं आप सभी से उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैंने इतने दिनों तक आप सभी के साथ वो चीज़ शेयर नहीं की है। जस्ट बिकॉज डियर, क्योंकि सबकी तबीयत यहाँ मतलब थोड़ी बहुत ख़राब हो ही गई थी। आप सभी ने इसके पहले वाले ब्लॉग में देखा है कि नहीं देखा है। नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी चेक कर लीजिए उस ब्लॉग को भी। और सभी की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी, सर्दी जुकाम बुखार इन्हीं सब का सीज़न चल गया था। तो बस इसी वजह से जो है ना, एक ठीक होते थे तो एक बीमार होते थे, एक ठीक होते थे तो एक बीमार होते थे, और मैं खुद भी बीमार हो गई। तो इसी चक्कर में आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पा रही थी, लेकिन फाइनली आज मुझे जाकर वो समय मिल गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर ही देती हूँ वो वीडियो। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हो सकता है उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो चलिए, बातें तो हो गई बहुत सारी, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। शॉपिंग वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत सारे कॉमेंट आए मुझे, ढेर सारे कॉमेंट आए कि आपने मतलब कहे और दिखाए नहीं। तो ये कुछ 5 साड़ियां हैं, आप सभी देख सकते हो। तो फर्स्ट साड़ी मेरी ये रही, येलो कलर की। और ये साड़ी जो है आप सभी देख सकते हो, ये कड़क साड़ी जो नहीं कहते हैं, अब ये बनारसी है या फिर सिल्क की साड़ी है ये तो मुझे इतना नहीं पता है। आप सभी कहोगे साड़ी दिखा रही, लेकिन ये नहीं पता कि क्या है ये। तो सच में ये सिल्क में भी है और बनारसी टाइप में भी है। तो इसका पल्लू कुछ इस तरीके का है और साड़ी कुछ इस तरीके की है। अदर साड़ी पे आपको कुछ इस तरीके का जो है उसका ब्रासो का वर्क किया हुआ है इसमें, गोल्ड ब्रासो का। और बॉर्डर कुछ इस तरीके का है, इस पे भी ब्रासो का वर्क किया हुआ है क्या है, जो पीछे से आप जैसे होता है। और ये फ्रंट साइड का है जो सिर पे होता है, आप सभी देख सकते हो। और ये ग्रीन और येलो का कॉम्बो है, गोल्ड ब्रासो से जो है इस पे वर्क किया हुआ है। लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि आपको पीछे साइड से ब्रासो इतना चुभने वाला नहीं है। ऐसे पीछे से निकला हुआ रहता है ना, तो ऐसे वो चुभने लगता है बहुत, मतलब उसके ऐसे धागे निकलने लगते हैं। लेकिन आप इसमें देख सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से कारीगरी की गई है इस पे। और ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगने वाली है, आप मतलब हल्दी फंक्शन में या फिर ऐसे भी आप पहन सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से है, आप ऐसे इसे पहन सकते हो और खूबसूरत लग सकते हो। ये रही सेकंड साड़ी, इसको मैंने आप सभी के साथ दिखा भी दिया था। और आप पहले कुछ भी बोलने से पहले इसका कपड़ा देख लीजिए। अब इसकी ओपनली बात करते हैं, ओपन करके दिखाते हैं। तो इसका ब्लाउज निकाल दिया गया है, इसका ब्लाउज जो है वो अलग था, इस कलर में वो था, डार्क कलर में, पर्पल में था। और साड़ी देख लीजिए आप सभी, इसमें पत्तियों का जो है फूल पत्ती जैसा बनाया हुआ है, ना पेंटेड है ना तो इसमें मतलब कोई वर्क है, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आपको ये जो है सिर्फ सिंपल सी आपको डेली वेयर के लिए साड़ियाँ मिलने वाली है। कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप रेगुलर में पहनो। पल्लू कुछ इस तरीके का है और इसका बॉर्डर ये रहा, आप सभी देख लीजिए। बॉर्डर भी एकदम प्लेन ही है और कुछ भी नहीं है इस साड़ी में बहुत ज़्यादा। पर हाँ, आपको रेगुलर वेयर में जब आप रेगुलर वेयर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कोई साड़ी पहनी हुई है। तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा आपके ऊपर। और नेक्स्ट साड़ी रही ये, तो इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा है और इसे अब मैं खोल रही हूँ आप सभी के साथ, ओपन अप कर रही हूँ इसका। इसका मैंने ब्लाउज भी रेडी करवा लिया है और इसे अब मैं जल्दी ही पहनने वाली हूँ, आपको इसका लुक दिखाने वाली हूँ। और ये साड़ी कुछ इस तरीके की है ना, बहुत अच्छी साड़ी। और आपको ना इस पे, इसके गोटे पे कुछ इस तरीके का वर्क मिलेगा, ये रेड कलर का वेलवेट का कपड़ा है इतना। और आपको छोटा वाला एकदम मिनी साइज का स्टोन इस पे दिखेगा, चिपका हुआ जो रहता है वही स्टोन आपको दिखेगा। और सारी साड़ियों पे कुछ इस इतना ही आपको वर्क दिखेगा, बाकी सारी पूरी साड़ी जो है आपको ऐसे लाइनिंग चेक में मिलेगी आपको। देखिए सिर्फ लाइनिंग लाइनिंग हुई है इस पे, चेक टाइप का।
और बॉर्डर कुछ इस टाइप का, एक एक जो है आपको जो है इसमें मिलेगा। और इसका मैंने फॉल भी करवा लिया है, फॉल पे को सभी करवा लिया है, इसका ब्लाउज भी रेडी करवा लिया है मैंने। अब इसे जल्दी मैं पहनने भी वाली हूँ, फिर आपके साथ इसका लुक बुक भी शेयर कर दूंगी मैं। और ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत और एकदम डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू जिसे आप बोल सकते हो, गोल्ड लाइन है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है, आपको सिर्फ वर्क जो है उतना उतना ही मिलेगा साड़ियों पे, और गोटा पट्टी पे भी इतना ही काम मिला है आपको, ज़्यादा गोटा पट्टी भी हैवी नहीं है, देख सकते हैं। तो ये साड़ी कुछ इस तरीके की है और बहुत ही अच्छी लगने वाली है सभी के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया आप सभी को। तो ये आप कुछ इस तरीके से आप पहन सकते हो और खूबसूरत लग सकते हो। तो थ्री साड़ियाँ हो गई मेरी, अब चौथी साड़ी ये है जो बहुत ही खूबसूरत कलर की है, बहुत ही अच्छा कलर भी है, ये भी बिल्कुल ही प्लेन है आप सभी जैसा कि देख सकते हो। ये मेरी चौथी साड़ी है, बिल्कुल ही प्लेन है, ये गोरेगांव से लिया हुआ था, और बॉर्डर पे आप कुछ इस तरीके का वर्क आपको मिलेगा, सिर्फ छोटा छोटा। इसका पल्लू है, ये इसका पल्लू है, पल्लू पे आपको कुछ इस तरीके का झालर मिल जाएगा, तीन चार झालर हैं इसमें। और ये इसका बॉर्डर, बॉर्डर पे आपको कुछ इस तरीके का वर्क मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ही, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बीच बीच में कहीं कहीं आपको मिलने वाला है ये। उसके बाद आपको सारी साड़ियाँ जो है प्लेन ही दिखने वाली है, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखने वाली है आपको, ये साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा प्लेन दिखने वाली है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप इसे पहनती हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। और ऐसा नहीं है यहाँ महाराष्ट्र में जो है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी साड़ियाँ भी नहीं लोग पहन के निकलते हैं, मैं मार्केट में जाती हूँ तो बराबर देखती रहती हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा मतलब हैवी साड़ियाँ नहीं पहन के जाता है कोई, सिंपल सी ऐसी भी साड़ियाँ पहन के मैं मतलब जिनको देखती हूँ वर्किंग वूमन है, जो मतलब घर पे भी वर्क कर रही हैं और बाहर निकल के भी काम कर रही हैं, अपना जीविका चला रही हैं, तो वो भी कुछ इसी तरीके की साड़ियाँ जो है रेगुलर, क्योंकि आप सभी मेरे ब्लॉग्स में देखते ही होंगे कि मैं ऐसे साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। फंक्शन हुए तो ठीक है, फंक्शन में एक आधे दिन के लिए तो कॉम्प्रोमाइज सब कर लेते हैं, लेकिन रेगुलर वेयर में तो नहीं पहना जा सकता है। तो चौथी साड़ी ये रही जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर की और बहुत ही अमेजिंग कपड़े की है, और मुझे तो बहुत पसंद है, गोल्ड एंड ब्लू में इसका बॉर्डर है। और पांचवी साड़ी ये रही ब्लैक, वैसे ब्लैक किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा कमेंट में, ब्लैक किस किस को पसंद। और इसका पल्लू जो है कुछ इस तरीके का है, आप सभी देख सकते हो कुछ इस तरीके का पल्लू है, फूल पत्ती वाला वही, लेकिन पेंटिंग नहीं है, आप सभी ऐसा मत सोचिए फूल पत्ती पेंटिंग है, नहीं, इस पर सिर्फ बनाया गया है फूल पत्ती, और बॉर्डर कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको। पूरी साड़ी पे आपको कोई वर्क हैवी नहीं मिलने वाला है, और गोल्ड में आपको इसका बॉर्डर मिलने वाला है, बीच बीच में कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न मिल जाएगा, जो कि एकदम मिनी साइज का जो स्टोन होता है ना उसी का वर्क है इस पर, और वो भी इतना ही इतना, इससे ज़्यादा नहीं मिल। और मैंने इसका फॉल पिको भी करवा लिया है, आप सभी देख सकते हो फॉल वीडिंग भी हो चुकी है इसकी, लेकिन ब्लाउज रेडी नहीं है, तो इसीलिए मैं कोई भी लुक बुक अभी तक नहीं निकाल पाई हूँ इन सभी का, लेकिन साड़ियाँ बहुत ही कमाल की हैं, बहुत ही लाजवाब की हैं, है कि नहीं आप सभी प्लीज़ कमेंट करिएगा, आप सभी को पसंद आई कि नहीं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी साड़ी। तो पल्लू कुछ इस तरीके का है, आप इसे कुछ इस तरीके से वेयर कर सकते हो, और बहुत ही स्मूथ साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। मैंने उसी दिन बताया था कि इनके कपड़े का कलेक्शन जो है, मतलब कपड़े की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी है, और मैं इनका कार्ड भी लेके आई हूँ, मैं अभी आप सभी को दिखा दूंगी, आप सभी इनका कार्ड देख लीजिए, जो यहाँ के मतलब आसपास के निवासी हैं, गोरेगांव के आसपास में हो, वो जाकर वहाँ से साड़ियाँ खरीद सकते हैं। और हाँ, बार्गेनिंग भी थोड़ी बहुत हो सकती है, देखिए कोरोना काल चल रहा है तो सबको प्रॉफिट चाहिए ही, क्योंकि सभी का मतलब वही है ना, तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कपड़ा आप सभी देख लीजिए, कपड़ा बहुत ही अच्छा है, तो कपड़े के हिसाब से ही तो दाम भी लगेगा ना। तो बस ये रहे मेरे साड़ियों के कुछ कलेक्शंस, जो उस दिन मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया हुआ था, लेकिन आप सभी ने इतना ज़्यादा कमेंट कर दिया कि आप मतलब झूठ बोल रहे हो, आपने उस दिन कहा कि मैं सेकंड पार्ट में शेयर करूंगी, लेकिन आपने नहीं किया, तो बस यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो अब इसी के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त, अब मैं आप सभी को मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।